हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का थंबनेल देख के आपको पता चल होगा आज इस स्कूटी से कुछ करने वाले हैं। इस स्कूटी में हॉर्न का प्रॉब्लम है, तो आज इसको शॉर्ट आउट करके आपके लिए मैं दिखा देता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो आइए, तो चाबी डाला हूँ, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, आपका इग्निशन तो चालू हो चुका है। गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं हॉर्न बजाने का कोशिश करता हूँ, देखिए नहीं बज रहा है। तो अभी इसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, ये क्यों नहीं बज रहा है। और इसको शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ का ज़रूरत होता है, वो इधर मीटर, एक कटिंग प्लेयर, एक स्टार स्क्रू ड्राइवर, एक कटर और एक छोटा सा केबल और 10 नंबर 11 नंबर का एक छोटा सा स्पानर होना चाहिए। तो इधर इधर पूरा स्क्रूस लगा हुआ है, इन सबको हटाना पड़ेगा। हटा के और इसको भी निकालना पड़ेगा। इस पूरा निकालने के बाद ये वाला हम लोग को निकलेगा, तो इसके अंदर में हॉर्न रहता है। तो चलिए इसको पूरा सेटअप खोल के आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये तो तार यहाँ से निकल गया है, इसमें लगा होना चाहिए, वो वाला निकल गया है। तो अभी इस तार को मैं निकाल के इसको कनेक्ट करके फिर से चेक करके देखता हूँ मैं बस। सो अभी मैं इस कटर के सहायता से इसको ये तार तो लगा दिया है, अभी एक बार चेक करके देखेंगे चालू हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यही प्रॉब्लम था, उसका तार निकल गया था, तो इसके वजह से हॉर्न का ये हॉर्न नहीं बजता था। अभी इसको ठीक कर दिया हम लोग। हॉर्न बज रहा था लेकिन उसका आवाज़ उतना ज़्यादा नहीं था, तो उसके लिए भी हम लोग इसलिए इधर से सेट पॉइंट एक रहता है, उसको सेट करने से हम लोग का हॉर्न और तेज़ से बज सकता है। इसको देखिए, ये हर एक हॉर्न में ऐसे वाला सिस्टम रहता है, तो ऐसे वाला सिस्टम को हम लोग थोड़ा टाइट करने से या लूज़ करने से ये वाला हॉर्न तेज़ से बजने लगता है। तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट किया है और चेक करके देखा है। अभी तो हॉर्न हम लोग का बहुत ज़ोर से बज रहा है। मेरा तो इश्यू छोटा ही था, तार निकल गया, इसीलिए उसको मैं लगा के तो इश्यू सॉल्व कर दिया।
लेकिन अगर तार लगाने के बाद भी नहीं आता है तो आप लोग को इस मल्टीमीटर के सहायता से इसका, ये तो 12 वोल्ट डीसी है, तो 12 वोल्ट का डीसी में हम लोग रख के इसको चेक करना है इस मल्टीमीटर से। तो इन दोनों पॉइंट के पास हम लोग मल्टीमीटर को लगा के, इन दोनों पॉइंट के पास मल्टीमीटर को हम लोग लगा के इसका वोल्टेज कितना आ रहा है हम लोग को देखना है। अगर वोल्टेज ठीक से आ रहा है तो हॉर्न का इशू हो सकता है, अगर वोल्टेज ही नहीं आ रहा है तो हम लोग फिर इसका स्विच के पास जाना पड़ेगा। ये जो इसका स्विच है, इसका स्विच को पूरा बाहर निकाल के इसको चेक करना पड़ता है, इधर से वो कॉन्टैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि पूरा चेक करके हम लोग को फिर उधर ठीक रहने से उसके बाद चेक करना पड़ता, नहीं तो इसका फ्यूज़ कहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही है, तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।